जितनी 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू सोसाइटी है, और साथ में आप जैसे लीडर पे उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ही कहा कि सोसाइटी को कुछ लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, वो इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का, नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते अच्छा होता। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, शायद मोहन भगवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। ये इनका सोच है, आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मजहब बनाकर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान। सर, अभी आपने ट्वीट किया, आर्मी चीफ का एक स्पीच था, एक बयान था, उस पर आपने ट्वीट किया, आपने ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, वो उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान को वो भी गलत है, फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में, स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है, और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको, ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। सर, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बोला है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कल फ्यूचर में रिग्रीट करेंगे, फ्यूचर में रिग्रीट मतलब अफसोस करेंगे कि क्यों विरोध किया। अब अफसोस करना के क्या है भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं, हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर चलाने के खिलाफ हैं, तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहां पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अंबेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर आज अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद कराए तो उनको बड़ा अफसोस होगा और जिंदगी भर उनको मलाल होगा, मुझे नहीं होगा, ना जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। सर, सम पीपल आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिविजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, व्हाट मोहन भगवत हैज सेड एंड ही डिस्क्राइब्ड ऑल इंडियंस, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? एज लॉन्ग एज वन हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, then the constitution clearly tells us that India has no religion, India celebrates all religion, in fact India even celebrates people who don't believe in a religion. The unfortunate part is that the RSS always speaks what is contrary to Indian constitution. Why do we have right to equality in our constitution? Why do we have right to life in our constitution? Why do we have article 26, article 29, article 30? Because we celebrate all these identities. These are all Indian identities. Why do we give special protection to Northeast? Can Mohan Bhagwat go and say that in Northeast? This is what Constitution says. And I said, when Ambedkar said in the preamble, liberty, equality, fraternity, justice, what is that? That in itself clearly tells us that
India has unique identities and we celebrate all these identities. Sir, you are going to share stage with Jitendra Manji in Kishanganj. Are you going to align with him in Bihar elections? Well, everything will be decided, but it is a good step we have taken. मुझे तेलंगाना की आवाम पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तेलंगाना की आवाम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली है, तेलंगाना की आवाम भाईचारगी और मोहब्बत पर यकीन करने वाली है, और यकीनन ये तमाम ताकतें पूरी कोशिश करेंगी, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाम जो पिछले 5-6 साल से रियासत तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर अमन रहा है, उस अमन को और मजबूत करेंगे और ऐसी ताकतों को जो नफरत फैलाती है उनको कोई मौका नहीं देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि एक यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद सेकुलर हैं, तो मुझे यकीन है कि जब तक केसीआर जिंदा रहेगा ये आरएसएस बीजेपी बहुत मुश्किल होने वाली है।